ये इस भाई ने भी गलती करी है, बीच में मौसम तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगला टेंप में पा रहे हैं। आप कोशिश करोगे तभी आप ऊपर चढ़ोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे। बेटा गाड़ी स्टार्ट, ऐसे नहीं, गाड़ी स्टार्ट रखो। ये गलतियां करते हैं ना बच्चे, हैंडल लॉक हो जाएगा। बेटा हैंडल लॉक की बात तो है। सेकंड अटेम्प्ट, तो ये वाली क्रेटा है, ये जो ऊपर लेके आए थे, और अब देखो ये आराम से नीचे भी। किस नाम से है? खुशीराम मल्होत्रा के नाम से। ये देखिए, वन अटेम्प्ट के अंदर पार हो गई थी और आराम से निकल भी गई। दोस्तों पिछले ब्लॉक के अंदर इसी वाली इंक लाइन पे हमारी गाड़ी नीचे चढ़ पड़ी थी, मैंने आपको बताया भी था, और बताया था कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। आज हमने वो किला भी फतेह कर लिया है। उस टाइम भी यही मुस्कुराहट और खुशी थी, आज भी यही मुस्कुराहट है, क्योंकि जब आप बार बार चढ़ते हो, गिरते हो, चढ़ते हो, गिरते हो, तभी आप उस जगह को पहुँच पाओगे। अगर आपको गिरने का पता नहीं चलेगा तो आप चढ़ोगे कैसे। चलते हैं दोस्तों आगे। आई है हमने तीन कोल्ड कॉफ़ी, और ये देखिए, ये हमारे सरबजीत जी तिरंगे के रंग में। ये पगड़ी देखिए, केसरिया पगड़ी, वाइट शर्ट, और ये नीचे का लोअर्स ग्रीन, तिरंगे के अंदर सरावर। और ये देखिए जी, हमारे छोटे वाले सिंह साहब, और ये है हमारी कोल्ड कॉफ़ी। ऑफ रोडिंग के बाद के अंदर हम थोड़ा रिलैक्स करते हुए, गाड़ियों को भी थोड़ा सा, भाई इंजनों ने काफ़ी ताकत लगाई थी, उनको भी थोड़ा रिलैक्स का समय दे रहे हैं, और हम थोड़ा कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। निकलते हैं, इसके बाद में मज़ा लेते हैं कोल्ड कॉफ़ी का। ये देखिए आज़ादी का जश्न अरावली की पहाड़ियों के अंदर। ये देखिए, और ये देखिए, मैंने हिंदुस्तान ट्रैक्टर की जो बात करी थी, ये रियर ट्रैक्टर है। जब मैं अपना व्लॉग्स बना रहा था, जब मैं सरिस्का में गया था, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान ट्रैक्टर भारत में बहुत ही कम है। ये है इसका असली रंग, उस टाइम मैंने आपको बताया था, वो लाल रंग उन्होंने किया हुआ था, ये इसका असली रंग है। ये भारत में कुछ गिनती के ही ट्रैक्टर हैं, इसका असली रंग ये है। और ये गणेश जी पुराने टाइम का, और सारे लोग
आजादी का जश्न मना रहे हैं यहाँ पर। से देख लो नीचे बैठ कर ले जाओ। 1 2 3 दोस्तों, ऑफ रोडिंग करते टाइम में जो मेरे साथ में मेरे दोस्त की थार थी उसमें आज रेडिएटर का नुकसान हो गया है। हर गाड़ी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। ये नहीं कि गोरखा परफेक्ट है, गोरखा भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कभी भी जी चाहें तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा नुकसान की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका रेडिएटर का जो पॉइंट है बिल्कुल नीचे है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रेडिएटर लगातार देख रहे हैं आप, ये लगातार पानी इसमें से लीक हो रहा है। अभी हमने 2-3 बार डाला है इसमें पानी। और ये देखिए, ये सामने पेट्रोल पंप है, एक बार इन लोगों से पानी मांगा है, इन्होंने एक ही बार के अंदर समरसिबल चालू करके दे दिया है। आज के टाइम के अंदर भारत के जो पेट्रोल पंप वाले हैं काफ़ी मददगार हैं, उनके चेहरे पर मदद करते हुए खुशी का एहसास होता है। और ये देखिए, तिरंगे के रंग में सराबोर, आज़ादी का जश्न मनाते हुए हर आदमी, कितना बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया, ये अरावलियों की पहाड़ी के पास ही है भारत का पेट्रोल पंप, बहुत अच्छा है। इनसे पेट्रोल पंप वालों से एक ही बार मदद मांगी है और उन्होंने हमारी मदद करी है। और ये हम खड़े हैं अपनी गोरखा और थार के साथ में। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ है, कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। इनका धन्यवाद है, इन पेट्रोल पंप वालों का, जिन्होंने हमारी मदद करी। ये दोस्तों देखो, रेडिएटर में फ़िलहाल हम इसको घर तक ले जाने का प्रबंध कर रहे हैं। नहीं है तो उसके बाद में एक ऑप्शन है, हमारी गोरखा के अंदर टो भी पड़ी हुई है, टो करके ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर गाड़ी में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं। इस गाड़ी का टॉर्क पिकअप बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन पीछे की सीटिंग कैपेसिटी नीचे की तरफ से ना बहुत ज़्यादा पूरी भर गई जी। ये देखो, इसमें पानी डाल के ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे को करीब 30 किलोमीटर जाना है, तो उसके हिसाब से हमें लेके जाना पड़ेगा। इसमें फुल हो गई।